नमस्कार दोस्तों, शादी का सपना तो आपने भी संजोया होगा और फिर शादी के बाद बच्चों का सपना भी जरूर देखा होगा। खासकर अनमैरिड लोग इस बात को जानने के लिए बेहद उत्सुक रहते हैं कि भविष्य में उनके कितने बच्चे होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि अपने हाथों को देखकर खुद कैसे पता कर सकते हैं कि आपके नसीब में कितने बच्चे लिखे हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हथेली में सबसे छोटी उंगली के नीचे बुध पर्वत होता है। बुध पर्वत के पास दिखने वाली खड़ी रेखाएं और अंगूठे के नीचे यानी शुक्र पर्वत के पास जितनी भी छोटी रेखाएं होती हैं, वे संतान रेखा के रूप में देखी जाती हैं। इन रेखाओं से संतान सुख का विचार किया जाता है। हथेली में इन स्थानों पर जितनी भी साफ और स्पष्ट रेखा दिखाई दे उन्हें गिन ले। रेखाओं की जितनी गिनती होगी उतने ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। जबकि अगर हाथ में शुक्र पर्वत पर हल्की रेखाएं दिखाई दें तो कन्या संतान होने का संकेत होता है। अगर हथेली में अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत अधिक उभरा हुआ है तो आपको एक संतान होने की संभावना होती है। ये तो हमने आपको बताया कि जितनी रेखाएं होंगी उतने आपके बच्चे होंगे, लेकिन आज के परिवेश में बुढ़ापे तक बच्चे का साथ मिलना मुश्किल होता है। अब जानते हैं कि आपकी लाइफ में कब तक संतान सुख है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार हथेली में जितनी संतान रेखा अधिक उभरी और स्पष्ट होती है, व्यक्ति को उतने ही संतान से अधिक स्नेह और सुख मिलता है। यही वजह है कि व्यक्ति का किसी खास संतान से अधिक लगाव होता है और उनसे सुख मिलता है। ऐसे में कई लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथों में रेखाएं कम होती हैं या फिर होती ही नहीं है, जिससे कि उन्हें लगता है कि उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो बता दें कि अगर पुरुष की हथेली में संतान रेखा नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनकी संतान नहीं होगी। अगर पत्नी की हथेली में संतान रेखा है तो संतान सुख मिलता ही है, लेकिन संभव है कि बच्चों का लगाव माँ से अधिक होगा। इसके अलावा हथेली का रंग भी आपके बारे में बहुत खुलासे करता है। हस्तरेखा ज्योतिष में हथेली के रंग को देखने मात्र से ही सेहत, किस्मत और व्यक्तित्व की जानकारी मिलती है। अगर आपकी हथेली का रंग गुलाबी है तो आप अपने जीवन में काफी खुशकिस्मत हैं और कम प्रयास करने पर भी आपको बड़ी सफलता हासिल होती है। ये व्यक्ति जोश से भरे, उत्साहित और जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छी सेहत वाले व्यक्तियों की हथेली ही गुलाबी रंग की होती है, और अगर हथेली का रंग सफेद हो तो आप ठंडे मिजाज के होते हैं और ये दर्शाती है कि आप अंतर्मुखी हैं, जो दूसरों से खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। आप जल्दी ही दूसरों पर भरोसा भी नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से आपके बहुत ही कम मित्र होते हैं। सेहत के मामले में हो सकता है कि आप अनेमिया से पीड़ित हों, जिसकी वजह से हथेली की रंगत सफेद होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।